फेयर में हो रहा है मुकाबला और रायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैच। तुमने सही कहा ब्रेंडा, और रायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और टटकर और रायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है, उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद, और लो मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखे गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। और रायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और रायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा, और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टा? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन के इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं, पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर, अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है, ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओ ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल, इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंदरे वाला फुटबॉल बूट, मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड? ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर पेपर के लिए, क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं? ये पागलपन है, आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते।
हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैट, हाइड्रो के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। रेडा, ये मेरा जोक था, हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं। कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेक। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा राष्ट्रा, हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को, और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई। कोई रास्ता निकला है? इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10,00,000। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है, हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे! प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ, और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है, है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इसमें थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अकलमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे? नहीं, वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ। ना। स्ट्राइक अलैंड में शाम हो गई है, और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहाँ जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चू। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो, और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो, पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाओ या चाहे कितनी भी कार खरीद लूं, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। कैप्टन, अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया के नहीं, 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 कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता, कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी, तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे, क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइक लाइन जाना होगा। हाफ टाइम,
और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टेलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायन्स बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस, स्टार्स। वाओ, क्या सोचा है प्रोफेसर, बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टेलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। साठ? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे, हम ये कर सकते हैं, है ना? सेकंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास। और ये जोक आता है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13, जर्मनोय। ये तो कमाल हो गया, स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32, ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टेलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर, मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता, जो सुनो, वो है लियो। वो स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। येलो शेक, दिखाओ अपना कमाल। और शेक की बेहतरीन किक। कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की जीत के पीछे किसका हाथ है, आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर, ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। तुम कैसे कह सकते हो? ओ रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की, सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोट तोड़ा है? हाँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है, पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख, प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया, मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था।
अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। सीजन ट्रेनिंग ऑडियो कोर्स चुनने के लिए आपका फिर से शुक्रिया। आज तीसरा दिन है और आप पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं, है ना? उम्मीद है आपकी हिम्मत बस नहीं हुई, क्योंकि आज हम और भी मेहनत करने वाले हैं। 10 मील की दौड़, 1 मील तैरना, फिर साइकिलिंग, स्टेप मशीन, एब्स, स्क्वाट्स, पुशअप, स्क्वाट्स। अपने चुने हुए प्रोफेशन में कामयाबी के अपने रास्ते के बीच किसी को आने मत दो। सुपर लीग ट्रॉफी, हम आ रहे हैं। कमाल है, क्या बात है, क्या बात है। वो ग्लैमर, वो शहरत, आपके तकिए पर रखी हुई वो छोटी फैंसी चॉकलेट्स, ये है स्काई बॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा फुटबॉल टूर्नामेंट। ये तो कमाल है। स्काई बॉल अल्टीमेट 5 दुबई के मेरे नए होटल ला मिराज के ऊपर होने वाला एक अनोखा टूर्नामेंट है। फुटबॉल के इतिहास में पहली बार विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। सुपर लीग को भूल जाओ, ये है फुटबॉल का असली मुकाबला। सुल्तान चाहे जो भी नाटक करे, मैं तो असली फुटबॉल के साथ ही रहूंगा। और स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के सबसे पहले मुकाबले में सुल्तान का सामना करेंगे सुपर स्ट्राइकर्स। तुम हो गए फुटबॉल के चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स, पर स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में सारे रूल्स मैं बनाऊंगा। ज्यादा जरूरी है। स्काई बॉल दिखने में अच्छा है, पर वो सिर्फ शेख का एक और नाटक है। अरे नहीं मेरे दोस्त, पता है हमें पहला मैच खेलने के लिए खास बुलाया गया है। और जरा सोचो, हम दुनिया के सबसे महंगे होटल में रहेंगे, दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग पर फुटबॉल खेलेंगे, और रेगिस्तान का सुंदर नजारा देखेंगे 4 कांच की दीवारों से। और सबसे अच्छा, विनर का फैसला होगा पब्लिक वोट से। ये फुटबॉल ही है, बस थोड़ा सा अलग है। मुझे तो एक बेकार सा रियलिटी शो लग रहा है। आपने तीसरा दिन पूरा किया ना? हाँ किया ही होगा, आप मुझे कहीं निराश तो नहीं करेंगे। चौथा दिन आखिर तुम्हारा ध्यान अपने उन सेल्फ हेल्प टेप से हट ही गया। हाँ, ब्रॉक स्पोर्ट्स की दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल कोच हैं। अरे बाप रे, क्या बात है, मेरा तो सिर्फ ऊपर देखने से ही सर दर्द हो रहा है। सिर्फ कुछ ही खुशनसीब लोग ये गेम देख पाएंगे, पर इन लोगों को उम्मीद है कि टीवी ऑडियंस उतनी ही होगी जितनी सुपर लीग फाइनल में होती है। वहाँ ऊपर चलते हैं, मुझे देखना है कि आखिर चल क्या रहा है। मेरे प्यारे सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम वैसे जीने के लिए तैयार हो जैसा कभी नहीं जिए हो? क्या वैसे खेलने के लिए तैयार हो जैसा कभी खेले नहीं हो? चलो पहले समंदर चलते हैं। क्या बात है, ला मिराज, फ्रेंच में इसका मतलब है छलावा। यहाँ पर है दुनिया का सबसे महंगा डेकोर, मिंग डायनेस्टी चाइना के फूलदान, रूसिया के फेबोज एग्स, शेटलैंड पोनीज जो है, शेटलैंड से ही शायद, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस सुवनियर शॉप में तो काफी कसर छोड़ दी है। और अब ला मिराज की तरफ से हर पार्टिसिपेंट के लिए अल्टीमेट 5 का एक मोमेंटो। अरे वाह, सोने की परत वाली फुटबॉल्स, इन्हें ले लो, तुम्हारे लिए ही है। दोनों टीम्स अगले 48 घंटों के लिए ला मिराज में ही रहेंगी टूर्नामेंट के खत्म होने तक। मैंने कहा था ना, रियलिटी शो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पूरा एजेंडा है, पर सबसे पहले तुम सबको सेटल किया जाए। न जाने हम किस फ्लोर पर हैं। वहाँ से बड़े अच्छे नजारे दिखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में कोई लिमिट नहीं होती। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कुछ सही चल रहा है शेख। मार्केटिंग, नई टीवी एड ब्रॉडकास्ट के लिए तैयार है शेख। मौसम, हमारी सैटेलाइट्स के मुताबिक गेम के लिए बहुत ही सही मौसम होगा। स्पीच राइटिंग, इवेंट की सारी स्क्रिप्ट्स ठीक से लिखी जा रही है शेख। एक और बात, आप कमाल है। सिक्योरिटी, सबके छोटे से छोटी हरकत पर हमारी नजर होगी शेख। गुड, सारी तैयारियां हो चुकी हैं एक शानदार इवेंट और सुल्तान्स के जीतने की।
यम यम यम। काफी अच्छा इंतजाम किया है। ओह क्या बात है, वाह क्या दावत है। खाना पसंद आ रहा है शेख, सारी चीजें दुनिया भर से मंगाई गई। लेकिन ये सुल्तान तो कम खा रहे हैं, महंगे मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम, सबकी पसंद। यहाँ आखिर हो क्या रहा है, अभी तक रूफटॉप ट्रेनिंग नहीं हुई है और अब ये हमें ऐसा खाना खिला रहे चुके हैं। सारी चीजें उनकी निगरानी में ही बनी है शेख। हाँ शेख, हम कल सुबह कितने बजे रूफटॉप पिच पर जा पाएंगे? ये तुम्हें होटल के मालिक से पूछना होगा। मालिक तो आप ही है ना? हाँ, पर ये सुल्तान के साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए उनके कोच से पूछो। पर उनके कोच भी आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पर शेख उसकी इजाजत कभी नहीं पर देंगे। शेख भी तो आप ही हैं। इस होटल में करने के लिए कई अच्छी अच्छी चीजें हैं। 8th फ्लोर पर है हॉट रॉक स्पा ट्रीटमेंट, बेसमेंट में है शॉपिंग, 5th फ्लोर पर है बिंगो। नहीं, तुम्हें बिंगो पसंद नहीं, तंदूरी मुर्गा? कुछ ज्यादा ही तंदूरी खा गया। चौथा दिन, याद रहे आज भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश कर रहे हैं ना, या फिर यूं ही खड़े हैं एक हाथ में कॉफी का कप और दूसरे में आधा खाया हुआ बिस्किट लेकर? अब चलो काम शुरू किया जाए। अगर शेख हमें वो नहीं देगा जो हमें चाहिए, तो मैं अपनी खुद की चार दीवार वाली पिच बनाऊंगा। लोग आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जीने का तरीका सिखा रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं, आपको बता रहे हैं क्या कहना है या क्या नहीं, तो फिर मेरी सलाह मानिए। मुझे सोने दो यार, मैं नहीं चाहता मेरे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएं, समझ गए? फूलदान का कचुंबर बना दिया। मैं तो बस थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए सुल्तान्स को हिसाब बराबर करते हुए जब वो हराएंगे सुपर लीग चैंपियन सुपर स्ट्राइकर्स को स्काई बॉल अल्टीमेट 5 में। मुझे लगता है वो पिछले सीजन वाली अपनी हार भूल गए। हाँ, पर इस वोटिंग के साथ यहाँ पर पूरा मामला ही अलग है। शेख मेरे दोस्त, एक फैंसी होटल प्रैक्टिस करने की सही जगह नहीं होती। ठीक है कैप्टन। और पता है उसके बाद? हाय दोस्तों, कहीं तुम लोग ऊपर रूफटॉप पिच पर तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं, वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? नीचे। लगता है वो लोग फुटबॉल के अलावा और भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम भी ना, अगर किसी से पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा ह्यूबर्ट? हमें मदद की जरूरत नहीं, हम वहाँ खुद ही पहुँच जाएंगे। 10 मिनट पहले भी यही कहा था। कैप्टन की डायरी, स्टार डेट 21:32.5। मैंने देखा है कि शेख, आपको ये देखना चाहिए, वो छत की ओर जा रहा है जैसा आपने कहा था। इतना तो तय है कि वो बहुत ही जिद्दी है, पर फिक्र मत करो, सारी तैयारियां पहले ही कर दी गई हैं। बिंगो। क्या बिंगो हेलीपैड पर हो रहा है? मैं आपकी मदद करता हूँ। वाकई में ये जगह तो फुटबॉल खेलने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ट्रेनिंग करने में कोई मनाही नहीं है। वाओ, यहाँ की कंडीशंस तो कमाल के हैं। कोच को ये जानकर खुशी होगी। शेक, ये तुम क्या कर रहे हो? कोच, वो हवा, मैं तो बस यहाँ पर। शेक इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। वीआईपी मेहमान लैंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम हेलीपैड पर हो, और अब तुमने उनके इतने कीमती तोहफे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। एक मिनट, उन्हें ये कैसे? बहुत हुआ, तुम इस अजीब स्काईबॉल टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहते थे ना? तो लो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम नहीं खेलोगे। Thank you.
शेख नहीं खेलेगा? सुपर स्ट्राइकर्स के कोच ने कहा है कि उनका स्टार स्ट्राइकर इस वक्त सुल्तान्स के खिलाफ खेलने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तो यही चाहता था ना। पर अब भी हमें गेम में उसकी मदद चाहिए। फिक्र मत करो, शेख के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी टीम को रोक पाएगा। तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है जिसका सभी को इंतजार था, वो भी न जाने कब से। आज सुल्तान्स फुटबॉल को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। चार कांच की दीवारें जो बनी है दुनिया के सबसे ऊंचे होटल ला मिराज के ऊपर। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखना और हाथ अपने फोन्स पर। हाँ दोस्तों, आज पहली बार एक फुटबॉल कॉन्टेस्ट का विनर आपके एसएमएस के आधार पर चुना जाएगा। तुम मेरा स्टाइल चुरा रहे हो। चश्मे ना पहनने का कोई रूल नहीं है फाइटर। अरे हाँ, असल में कोई रूल है ही नहीं, सिर्फ वोट्स है। और वही पुरानी रेड और व्हाइट यूनिफॉर्म्स पहने आए हैं कल की बाजी खबर सुपर लीग में कभी जीते हुए सुपर स्ट्राइकर्स हैं? ये किसने लिखा है? और चमचमाती ग्रीन यूनिफॉर्म में है आज के होस्ट सबकी जान सुपर लीग के अगले मेगा चैंपियंस और शायद आज के विनर्स सुल्तान्स एफसी। हमने हजारों बार ये प्रैक्टिस किया है, सब अपना काम जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं, तो अब हो जाए। और गेम शुरू। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं गेम के इस नए रूप को लेकर। नहीं सब नहीं मैग, पता है आज कौन नहीं खेल रहा? शायद वो अब भी मदद कर सके। शायद अगर उसका वोट चलेगा तो। वैसे इस वक्त तो मैं भी सुपर स्ट्राइकर्स के लिए वोट नहीं करूंगा। मुझे एक बुरी दीवार मार्क करने की आदत नहीं है। मुझे इतना बुरा लगने की आदत नहीं है। ये सुल्तान अचानक हमसे इतने बेहतर कैसे हो गए? मैं बिल्कुल सही था। शेख पहले से हमारे साथ चाल चल रहा था। जरूर सुल्तान्स को ठहराया गया था ऊपर के फ्लोर्स पर, और उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की होगी। और शेख ने जानबूझकर मुझे पकड़वाया ताकि मैं खेल ना सकूं। न जाने उसने हमारे लिए और क्या सोच रखा है। रास्ता सब संभाल लेगा। ये ऊंचाई हमारे खिलाफ काम कर रही है, हमें दीवारों का भी इस्तेमाल करना होगा। शाबाश, दीवारों का इस्तेमाल करके उनके लिए खेलना नामुमकिन कर दो। जैसे कि हम पिनबॉल खेल रहे हो। और नतीजा दिखने लगा है। बच के रहना सुल्तान। चलो दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। बस तुम्हारी कमी है शेख मेरे दोस्त। T-1 मिनट। बहुत अच्छे, आप सब तैयार हो जाओ, इंफ्रारेड ऑन करो। अब देखो दीवारें कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये लीग चैंप्स हैं। वो कितनी जल्दी सीखते हैं मैच, ऑपोजिशन उनका सामना कर ही नहीं पाता। हाँ दोस्तों चलो। वो जानते थे। अच्छा, ये मेरा स्टाइल चुराना नहीं है तो और क्या है। शेख ने हमें वाकई फंसाया है, अब तुम्हें खेल में शामिल होना होगा, ठीक है शेख? Yes, 175 स्कोर बराबर, अब एक पॉइंट बाकी। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमें वो बिंगो लाउंज मिला ही नहीं, इसलिए हमने अपना एक गेम बना दिया, लिफ्ट बिंगो। हमें सारा दिन लिफ्ट में ही रहकर बिंगो खेलने के लिए लोगों के चुने फ्लोर्स का इस्तेमाल करना है। मैं सीढ़ियों से जाता हूँ। अरे मेरे साथी कहाँ हैं? लगता है जैसे फाइटर वहाँ अकेले ही खेले जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट याद करो ब्रेंडा, हम सुल्तान शेख या लामिराज के बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते। इससे तो सुपर लीग ही अच्छा है। ये
ये फुटबॉल है, कोई सर्कस नहीं। फिर भी इसे बोझ तो मिल ही रहे मैच। हाफ टाइम। अब सुपर स्ट्राइकर्स ब्रेक में अपनी आंखों से रेत निकालने के अलावा और क्या कर पाएंगे? इन्हें मेरे रूम अकाउंट में डाल देना। Come on! Yes! तुम हार गई, मैं जीत गया। शेख, तुम सुपर स्ट्राइकर से हो ना? हाँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ शेख, सच्ची। तुम्हें पता है मेरे पास तो सुपर स्ट्राइकर्स मैचेस की सारी डीवीडीज हैं। थैंक्स। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है दोस्त? सुना होगा। ब्रॉक रॉकेनहावर। क्या कहा? Brock Rockenhauer, motivational trainer और एक life coach। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। सच्ची? तो फिर क्या तुम्हें वहाँ ऊपर मेरी सलाह नहीं चाहिए? हुहा, बस टूट पड़ो, मेहनत करो। नहीं चाहिए। क्या तुम मेरे घर से भी ज्यादा दूर है यार? चलो, इतना भी बुरा नहीं है। सब्स्टिट्यूट करो, मुझे सब्स्टिट्यूट करो। हमारा इकलौता सब्स्टिट्यूट गायब हो गया है। हम इस तरह के फुटबॉल में उन्हें बहुत अच्छी तरह से हरा रहे थे कोच, पर अगर कुछ दिखना ही बंद हो जाए तो। शेख ने कहा था शेख हमारे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। इन चश्मों से काम बन जाएगा दोस्तों। शेख, कोच मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत। तुम्हें भी चश्मे की जरूरत होगी। इस वक्त सुल्तान्स के वोट्स बढ़ गए हैं, खासकर तूफान में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद। पर अचानक सुपर स्ट्राइकर्स इस सिचुएशन के लिए तैयार लग रहे हैं। हाँ, पर इतनी तैयारी क्या काफी होगी? अच्छा लुक है मेरे दोस्त। इसकी आदत मत डाल लेना, ये मेरा ट्रेडमार्क है। सुपर स्ट्राइकर्स खेल में पैर जमाते जा रहे हैं, पर अभी वो काफी पीछे हैं। वो इतनी जल्दी अपने वोट्स में बढ़ावा कैसे कर पाएंगे? हो गया, अब सब दुनिया वालों पर है। और क्या, लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त निकलता जा रहा है और वोट भी सुपर स्ट्राइकर्स के हाथों से निकलते जा रहे हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके लिए वोट्स की बारिश हो जाए? काश कि मुझे कुछ वक्त मिला होता यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। बॉल मेरी तरफ भेजो, शायद मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे वोट्स हमारे पास आएंगे। अब वो जो भी करे मैक, उनका आगे निकलना तो नामुमकिन है। मुझे ऐसा नहीं लगता ब्रेंडा। लगता नहीं सुपर स्ट्राइकर्स को इससे वोट्स में मदद मिलेगी। सही कहा मैक। मैक, मैक, बॉल वापस आ रही है। बिल्कुल कर सकते हो। मुश्किल घड़ी में भी शेख ने कर दिखाया। मुश्किल घड़ी में और तेज हवाओं में मैच, शेख ने आज यहाँ एक मिसाल कायम कर दी है। मैंने आज तक इतना अच्छा मूव कभी नहीं देखा, बस मेरे सारे मूव्स को छोड़कर। इसमें माहिर होने के लिए तुमने छत से कितनी बॉल्स को नीचे गिराया था दोस्त? वो एक्चुअली सिर्फ एक, पर वो बहुत ही महंगी थी। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स, पर वक्त खत्म हुआ और सुल्तान्स के वोट्स तुमसे ज्यादा है। गेम खत्म हुआ है, पर वोटिंग नहीं। पर इसके लिए कौन सा रूल है शेख? ओह, यहाँ तो कोई रूल्स है ही नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से आगे निकल रहे हैं स्काई बॉल अल्टीमेट 5 के इस पहले मैच में। मजा आया, अच्छा गेम था। क्यों ना अगले सीजन फिर एक गेम हो जाए, इंतजार रहेगा। मेरे लड़कों से पंगा मत लेना, ठीक है? हार तुम्हारी ही होगी। कोई बात नहीं, लगता है उन्हें हराने के लिए मुझे फिर से किसी नई चाल के बारे में सोचना होगा।
कहाँ गए सब के सब, जाओ मेरे लिए। वॉल्केनो की राख अब भी वातावरण में फैल रही है, इसलिए सारा एयर ट्रैवल बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड के मैच तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने में लगे। सिर्फ फैंस नहीं, गंदा वॉल्केनो, क्या उसे नहीं पता मैं सिर्फ प्राइवेट जेट्स में जाता हूँ? हमें तो ट्रेन से घर पहुँचने में सालों लग जाएंगे, इसलिए तो मैं हमेशा एक इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर मिस्ट्री स्टोरी साथ लेकर सफर करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य। ये एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में है जो गायब हो जाती है। हाँ। चलो अभिषेक, इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए ये वाले शॉट्स काफी नहीं होंगे। हाँ दोस्त, तुम अपना वो नया फैंसी शॉट क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ वो नकल बॉल नहीं यार, वो तैयार नहीं है। ओ कम ऑन शेक, एक बार तो करके दिखाओ। ठीक है, फिर मत कहना मैंने वॉर नहीं किया। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो पहरेदार को वॉर्न करना चाहिए था। काश तुम स्कारा का सामना करने से पहले इसे परफेक्ट कर पाते। इतने यकीन से मत कहो, चलो हमारी ट्रेन आ गई है। ओ, मैं तो बिल्कुल गलत था, काश कि ऐसे ही वोल्केनोस बार बार फटते रहे। और अभी तो सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। तो पेश है प्रोफेसर का नया इन्वेंशन, एक ट्रेनिंग कोच। मगर हमारे ट्रेनिंग कोच तो आप है ना? ये एक ट्रेन का कोच है फाइटर। क्या आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं चल रहे कोच? ये एक ट्रेन का कोच है जो ट्रेनिंग देता है जैसे एक कोच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर और गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य जैसी ही ट्रेन है। मेरे क्लाउस वॉन क्लिंकर ऑफन के कोई भी रहस्य ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेंगे। हाँ, सिवाय इस रहस्य के कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। मैंने इस सीजन के स्टेट्स एनालाइज किए हैं, पासिंग, शूटिंग, बॉल लेना। इनविंसिबल यूनाइटेड और हम तकरीबन हर बात में एक जैसे हैं, इसलिए हमें इस होने वाले मैच के लिए कुछ खास करना होगा। वो नकल बॉल। सही कहा। लगता है जैसे हम चल ही नहीं रहे, ये काम कैसे करता है? मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे। एक्टिवेट ट्यूटोरियल वीडियो। ये बहुत ही आसान है, इस पूरे कैरिज पर ढेर सारी स्टील ट्यूब्स की लेयर्स हैं और हर एक को अंदर से समान डेंसिटी के मुताबिक रखा गया है, जिससे होने वाली बुयंसी कंपन को कम कर देती है, जिससे कैरिज को लगने वाले झटके अंदर से महसूस नहीं किए। मेरा मतलब ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है? हाँ, एक्टिवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। मैच ठीक 3 दिन बाद है, तब तक नकल बॉल तैयार कर लो, फिर हम यूनाइटेड से एक कदम आगे हो जाएंगे। सारा दिन छानबीन करने के बाद भी मुझे यहाँ एक भी रहस्य नहीं मिला है। हाँ, और बटलर ने कहा है अगर तुम फिर से उसके कमरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर नॉवेल्स में गुनहगार हमेशा बटलर ही होता है, मैं जानता हूँ ये उसी ने किया है। क्या किया है यार? इसी बात का तो पता लगाना है। ओ बटलर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चिल करो यार, ये तो बस हमें खाना दे रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा कबाब।
आखिरकार एक रहस्य। तो बताओ शेख, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? थकाने वाली। बाकी सबके साथ क्या चल रहा है? सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज। एक लज्जतदार रसीला कबाब चोरी हो गया है इसी ट्रेन में, और गुनेगार तुम में से ही कोई एक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, सिर्फ काम बताऊंगा। बटलर! नहीं, छोड़ दो मुझे। सॉरी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है। और वो भी बिना दिमाग के। मैंने बेकार में ही पूछा। तुम बस नकल बॉल को परफेक्ट करने में ध्यान दो। इनविंसिबल यूनाइटेड हमें आसानी से जीतने नहीं देने वाला। हाँ, पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे हमें फायदा तो जरूर होगा। लगता है शेख सिर्फ तुम ही इस ट्रेन में सफर कर सकते हो, पर अगर पता होता कि तुम इस ट्रेन में हो तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, अब जाकर अपना काम करो, मुझे भी जरूरी काम है। वो तो मैं देख रहा हूँ, उस फैंसी कोच में क्या है? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे बताओ। नहीं। क्यों नहीं? पहले प्लीज कहो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज। नहीं। क्यों ना इसके लिए गेम हो जाए, डाइनिंग कार में खेलते हैं, पहला गोल करने वाला जीतेगा। डर गए हो तो रहने दो। मुझे लगा था तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मुझे गेम का इंतजार करना होगा। देख लो कहीं तुम्हारा खुद का ही बैंड ना बज जाए दोस्त। स्कारा का शानदार टैकल। शायद तुम्हें अपनी बेकार कमेंट्री पर कम और बॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तुम गए लूजर। सॉरी। अब तुम देखो। लगता है ट्रेन मेरे साथ है, जीतने वाले के साथ। भूल जाओ उसका ना। Surprise! Dingan! Goal! Scara jita! तुमने चीटिंग की। मैंने कहा था खेलते हैं। ये कब कहा था कि अकेले खेलेंगे? अरे वाह! वैसे सुपर स्ट्राइकर्स जैसी सेकेंड रेट टीम के लिए ये काफी अच्छा है। तुम यहाँ करते क्या हो? वो क्या है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें चलना चाहिए Scara। हाँ हाँ, दिखाने के लिए थैंक्स। मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। ठीक है, दूसरा दिन। नकल बॉल, मैं आ रहा हूं। बेहतर होगा तुम इसे ब्लॉक से पहले खा लो। ये लो। नकल बॉल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो तैयार है। Scara ने भली ट्रेनिंग कोच देख लिया हो, पर उसे नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? Scara ने मुझे खेलने की चुनौती दी और तुम्हारे कहने का मतलब है कि Scara इस ट्रेन में है? तुम कह
कह रहे हो कि तुमने अब तक डिंगान और स्कारा को नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसीबत जरूर आती है। छोड़ो कैप्टन, हम पीछे छूटे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है और मामला बदतर होने वाला है। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए। शेख, मुझे एक बॉल दो, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग का वक्त नहीं है कैप्टन। ट्रेनिंग खत्म हो गई शेख, अब वक्त आ गया है नकल बॉल को आजमाने का। इसका मतलब यह है कि तुम नकल बॉल में माहिर हो गए हो शेख मेरे दोस्त। अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। मुझे एक बात समझने दो, तुम कह रहे हो कि इनविंसिबल यूनाइटेड चुपके से आए, बिना किसी को दिखे उन्होंने तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने की कोशिश की और फिर चलती ट्रेन से गायब हो गए? हाँ, हाँ। मुझे लगता है तुम क्लाउस के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रहस्य अभी सुलझने वाला है। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटो, इंस्पेक्टर वॉन क्लिंकरहॉफन आ रहा है। सॉरी लेट हो गया, मैं अपनी मूंछ लेने गया था। बोलते रहो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, पर भला और कौन मुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ना चाहेगा, वो भी एक बड़े गेम से ठीक पहले। गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सच हो रहा है, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है। यकीन नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं शेख। जब हम नामुमकिन बात को हटा दें, हाँ, जैसे कि स्कारा का एक चलती ट्रेन से गायब होना, तो जो बचता है चाहे कितना भी गलत लगे सच वही होता है। साफ साफ कहो प्लीज, ये बटलर का काम है। तुम फिर आ गए, एक बार कहा ना मैंने तुम्हारा कबाब नहीं लिया। अब मामला एक मामूली कबाब का नहीं है, अब मामला है उसका। हाँ, ये बैग तो ट्रेनिंग कोच का है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। चुप रहो बटलर, अब तुम अगला कबाब जेल की कैंटीन में ही परोसोगे। मैच का दिन आ गया है और अब भी सारी फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए दोनों टीम्स को मजबूरन गेम में वक्त पर पहुँचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं, और ये आ रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। वो आ गए। ये मेरा सबसे बढ़िया केस था। ये तुम्हारा इकलौता केस था। बस ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। स्ट्राइकरलैंड में मैच शुरू होने वाला है। मैच क्या दोनों टीम की तैयारी में कमी होने की वजह से उनके परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये मैच हमेशा जितने ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर जा पाएगा ब्रेंडा। और मैच शुरू। लगता है हम गलत थे ब्रेंडा, शेख और स्कारा में तो लंबे सफर की थकान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो दोनों तो पूरे जोश में हैं। दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी होना आसान नहीं होने वाला। मुझे बीच रास्ते में छोड़ने का प्लान था, ऐसा घटियापन तो तुम ही कर सकते हो स्कारा। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या शेख? वो तो बटलर ने किया। तुमने भले ही सबको धोखा दे दिया, पर मुझे पता है वो तुम थे। उसकी जरूरत करो, तुम्हारा प्लान चौपट हुआ, नकल बॉल पूरा हो गया है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। शायद शुरुआत हो चुकी है स्कारा। बस करो, मैं तो सचमुच डर गया। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो तुमने मुझे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। प्लीज, मुझे तो पता भी नहीं था तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब तुम भी उस ट्रेन में थे क्यों? मुझे माफ कर देना शेख, तुम्हारा शक पहले से ही सही था। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर से भी गलतियां हुई होंगी। स्कारा का प्लान नहीं चला और अभी हम आगे हैं, बस इतना ही जरूरी है। अफसोस, बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? स्कारा ने मान लिया कि उसे पता नहीं था कि तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब उसका इरादा तुम्हें गेम तक पहुंचने से रोकने का नहीं था। तो उसका इरादा आखिर था क्या?
इनविंसिबल यूनाइटेड को बराबरी पर आने के लिए बेताब लग रहे हैं। रास्ते से हटो। हाँ, पर शेख के बढ़िया गोल के बाद अब उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हवा में बॉल, वो नकल बॉल, क्या और ये गोल! लगता है इन दोनों टीम्स के बीच फैसला करने के लिए सिर्फ एक नया मूव काफी नहीं होगा। वो मेरा शॉट है। उसका प्लान मुझे वहाँ छोड़ना नहीं था, वो तो नकल बॉल को अपने लिए चुराना चाहता था, इसलिए उसने कोच को खोल दिया। लेकिन फिर वो नकल बॉल को सीखने के बाद भी मैच में वक्त पर कैसे पहुँचा? लगता है तुम्हारा सीजन अब पटरी से उतरने वाला है। एक बड़ा जुर्म, खुद के बचाव का इंतजाम, चालाकी भरी बातें, ये बंदा तो माहिर है। अपनी लीड का इंतजाम करके अब इनविंसिबल यूनाइटेड अपना पहला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्लाउस, ट्रेन के गुजरने के बाद रेलवे लाइन स्विच हुई थी। पर क्यों? क्योंकि इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और ट्रेन रुकी हुई थी उन्हें वहां से लेकर यहाँ गेम तक लाने के लिए। अरे हाँ, इसी तरह स्कारा हमारी ट्रेन से बचकर निकल गया होगा क्योंकि वो पहले से ही ट्रेनिंग कोच पर मौजूद था। रास्ता और मैं बचने की फिराक में उसे देख ही नहीं पाए। शेख पहले से ही सही था, ट्रेन की चोरी के पीछे स्कारा ही है। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। हाँ, पर अगर तुम उस तरह के गोल्स बनाते रहे तो तुम जो चाहे सोच सकते हो। तो तुमने रहस्य सुलझा दिया, अब चलो यूनाइटेड को धो डालते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, गोल पर गोल हो रहे हैं। शेख और स्कारा के बीच की समानता चौंका देने वाली है, वो दोनों ही एक शूटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो अपने बीच के मनमुटाव को भुलाकर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक ही फील्ड पर एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। आखिरी मौका, क्या विनिंग गोल सुपर स्ट्राइकर्स करेंगे? अफसोस, स्कारा ने पहले ही शेख को रोक लिया। शातिर चाल, ये फ्री किक भी शायद काम नहीं आने वाली, शेख के नए थंडरबोल्ट के साथ भी। हम इनविंसिबल यूनाइटेड वाले तो ड्रॉ से भी काम चला लेंगे। मैं अब भी एक बात समझ नहीं पाया स्कारा, तुमने कोच का पैग आखिर बटलर के कमरे में रखा कैसे जबकि तुम ट्रेन में थे ही नहीं? अगर हुनर हो तो सब आसान होता है। मैं निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक कमाल का आइडिया आया। इंस्पेक्टर वॉन बेवकूफ तो बटलर को ही गुनहगार बनाने पर तुला हुआ था, इसलिए तुमने सबूत को वहीं छोड़ दिया और गुनहगार के ट्रेन पर ही होने से केस वहीं रफा दफा हो गया। बहुत अच्छे स्कारा, पर हम अब भी तुम्हें हराएंगे। प्लीज, वक्त कहाँ है? तुम्हें हमारे साथ पॉइंट शेयर करने होंगे, जैसे तुमने शेयर किया अपना नकल बॉल। ये सही है, वो पैग ही इस पजल का आखिरी हिस्सा था, पर इससे गेम को हमारी तरफ आने में कोई मदद नहीं मिली है। पैग हमारी तरफ। शेख की जोरदार किक। फैंटास्टिक, शेख का एक और ब्रांड न्यू शॉट। स्कारा तुम्हारा मूव चुरा सकता है पर तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं। हाँ, तैयार रहना अच्छा होता है पर कभी कभी फुटबॉल में उसी पल के लिए जीना होता है। वैसे तुम्हें वो नया मूव आखिर सूझा? ये वाला रहस्य तो मैं अपने तक ही रखूंगा, मुझे स्कारा को और ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है। वैसे रहस्य से याद आया, क्लाउस कहाँ है? ठीक है, सारे निशान मिटा दिए, अब चलो पकड़े जाने से पहले इसे कहीं छोड़ दे। पर कमाल है ना स्कारा, लग रहा है जैसे कि हम हिल ही नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि हम हिल नहीं रहे बुद्धू, हम ट्रेन यार्ड में हैं। पर वाकई कमाल है, इस वक्त अगर हम 100 मील की रफ्तार से जा रहे होते तब भी कुछ महसूस नहीं होता। आ,
आखिरकार रहस्यमय ट्रेन गायब हो गई, गुनहगारों को अपने साथ लिए। आपकी मदद के लिए फिर से शुक्रिया इंस्पेक्टर बॉन। सिर्फ क्लाउस भी चलेगा। उन दोनों के लिए जेल की कोठरी तैयार हो जाएगी उस बटलर को रिहा करने के बाद। ओ हाँ, उससे मेरी तरफ से माफी मांगना। फिक्र मत कीजिए, हमें भी वही गुनहगार लगा था। हाँ, इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की स्टोरीज में गुनहगार हमेशा बटलर होता है। हाँ, हमेशा। रुको, आप दोनों इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर को जानते हैं? और नहीं तो क्या, उन्हीं की वजह से तो मैं एक सुपर लीग एजेंट बना हूँ। हाँ, मैं भी। क्या सच में? हमारे हेडक्वार्टर्स में हमने